नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का मतलब होता है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप करने वाली माला होती है और बाएं हाथ में कमंडल। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत भव्य और तेजयुक्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 1000 वर्षों तक फल और फूलों का सेवन कर तपस्या की थी। इसके पश्चात 3000 वर्षों तक सिर्फ पेड़ों की पत्तियां खाकर तपस्या की। इतनी कठोर तपस्या के बाद इन्हें ब्रह्मचारिणी स्वरूप प्राप्त हुआ। ऐसी मान्यता है कि जो भी साधक या भक्त माँ भगवती का व्रत करता है वह कभी भी अपने जीवन में नहीं भटकता।